बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जापान मशीनरी स्टोर के यूट्यूब चैनल से फ़हीम ख़ान। आज हम लाए हैं आपके लिए रेन एरीगेशन सिस्टम, जिसके ज़रिए फसलों को पानी लगाया जाता है। रेन एरीगेशन सिस्टम की ये तीसरी सीरीज़ की हम ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। मेरा तो यही मशवरा है भाई, भाई वाला मशवरा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी लगवा लें, इंशाल्लाह ताला इसका फायदा ही फायदा है। रेन इरिगेशन सिस्टम, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये हमने एक बाग में रहीम यार खान में हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, और रहीम यार खान के इलाके में जाके हमने इसको बागात के लिए ख़ास तौर पर फार्मर ने इसको डिज़ाइन करवाया था, जिसमें वाटर बाउजर और रेन गन, इसमें हमने तुर्की की रेन गन लगाई है। इसको हमने यहाँ से मुल्तान से ट्रांसपोर्ट करके और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वहाँ पे फील्ड में ले जाके हमने इसको प्रैक्टिकली चलाकर फार्मर को चेक करवाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके साथ हमने हाई प्रेशर पंप लगाया है, जैसा कि आप इसके टैंक को देख रहे हैं, ये 10,000 लीटर का वाटर बाउजर है, और इसके साथ सब सामान जितना भी है, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, हैवी किस्म के सामान का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये हाई प्रेशर पर चलाए जाते हैं, और इसके साथ हैवी किस्म के पाइप और फिटिंग्स वगैरह सब लगाई गई हैं। और इस रेन एरीगेशन सिस्टम का आपको इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये रेन एरीगेशन सिस्टम, जिसके अंदर वाटर बाउजर का इस्तेमाल किया गया है, ये रेन एरीगेशन सिस्टम ऐसे इलाकों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो कि बारानी इलाके हैं, जहाँ पर आपके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पर आपके पास तालाब में पानी को स्टोर करना पड़ता है, नहरी पानी नहीं है, ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये फार्मर ने पौधों, अपने फसलों के अलावा जो बागात लगाए हैं, बागात के पौधों को धोने के लिए पौधों के ऊपर पानी गिराया जा रहा है, और इसके साथ साथ इसमें हवा से नाइट्रोजन भी इसके अंदर शामिल हो रही है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये रेन गन जो है 100 से 120 फुट तक थ्रो करती है। हम इसकी थ्रो को इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, अगर इसके साथ पावर सोर्स को बढ़ाया जाए तो इसकी थ्रो और भी बेहतर हो सकती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी एक तो इसकी थ्रो बहुत अच्छी होती है, और दूसरी इसका जो कर्टन बनता है, यानी रेन गन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पानी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बराबर हर जगह पे पानी गिरा रही है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रेन गन है, तुर्की की कंपनी इसको, ये टर्बाइन टेक्नोलॉजी की रेन गन है, और इस रेन गन के साथ पानी लगाना बहुत ज़बरदस्त और बड़ा आसान है। और जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं कि ये वाटर बाउजर को बनवाने का मकसद आपको बड़ा वाजह समझ आ रहा है कि ट्रैक्टर चलता जा रहा है और साथ साथ पौधों को धोता जा रहा है। और इसके अलावा इसका जो मकसद मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दो तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में, एक ये कि बागात में पौधों को धोने के लिए और पौधों को ऊपर से पानी लगाने के लिए, और फसलों को पानी लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे बारानी इलाकों में जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और आपने इस रेन गन के साथ लगे हुए स्टैंड को भी देख रहे होंगे वीडियो में, ये भी हमने बहुत पावरफुल मजबूत स्टैंड तैयार किया है, और स्टैंड इस तरीके से डिज़ाइन करने का भी एक मकसद होता है कि रेन गन का इतना प्रेशर होता है कि वो किसी आम ट्राइपॉड स्टैंड पे नहीं खड़ी हो सकती, ये गिर जाती है। और दूसरे नंबर पे इसके साथ हमने एक और ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप वाटर बाउजर को दूर खड़ा करके इसको फसल में लेके जाना चाहते हैं, तो हम इसके साथ 200 से 300 फुट पाइप का इजाफा कर देते हैं, और उस पाइप की मदद से आप इसे फील्ड में लेके जा सकते हैं आसानी के साथ। और इसके अलावा इस रेन गन को चलाने के और भी बहुत से तरीके हैं, इस रेन गन को चलाने के लिए सिर्फ वाटर बाउजर ही नहीं, बल्कि इसको ट्रैक्टर की मदद से भी चलाया जा सकता है, और इसको पीटर इंजन की मदद से भी चलाया जा सकता है, और तीसरे नंबर पे इसको हम इलेक्ट्रिकल जो 3 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इस रेन गन को आप इलेक्ट्रिकल 3 फेज की मोटर के साथ भी चला सकते हैं, लेकिन मोटर के साथ इसका मामला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि उसको फिक्स रखना पड़ेगा। जैसा कि आप ये पाइप देख रहे हैं, इसके साथ हम हैवी हाई प्रेशर पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और ये इसको आप मैक्सिमम 300-400 फुट या मिनिमम इसे 200 फुट तक रख सकते हैं,
इस पाइप की मदद से इस रेन गन को हम फील्ड के अंदर ले जाते हैं और इसका थ्रो जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, थ्रो बिल्कुल कम नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेन गन परफॉर्म करती है। अगर आप ये सिस्टम हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रابطہ कर सकते हैं। वीडियो के इख्तिताम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये रेन इरीगेशन सिस्टम हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रابطہ कर सकते हैं और हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। और ये रेन इरीगेशन सिस्टम जैसा कि आप हमसे डिज़ाइन करवाएंगे, हम आपको ये रेन इरीगेशन सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको तैयार करके देंगे और आपको वहाँ पर इंस्टॉल भी करके देंगे।